उनके सारे गाने हिट हो चुके हैं और पवन सिंह बोलबम के गानों की वजह से नंबर वन के पायदान पर पहुंच चुके हैं। वैसे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि पवन सिंह के सारे गाने बोलबम के सुपर डुपर हिट हो चुके हैं, महादेव का दीवाना ने तो सभी को अपना दीवाना बना लिया है, अब जय श्री राम की धुन चलेगी। तो आपको हमने कुछ और बताने के लिए वीडियो बनाया है, वो इसलिए क्योंकि हमने आपको बहुत पहले एक वीडियो में कहा था हो सकता है पवन सिंह का 4 अगस्त को राजस्थानी घाघरा या फिर कोई लोकगीत आ जाए, लेकिन फिर अब हमारे सोचे से बात पता चली है कि 5 अगस्त के बाद ही पवन सिंह का कोई बड़ा गाना आएगा, क्योंकि अगर अब कोई बड़ा गाना आएगा तो वो है जय श्री राम। जी हाँ, पवन सिंह का ये गाना पहले बन चुका था, पहले रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन फिर से इसे वापस से रिकॉर्ड किया गया इस गाने को, क्योंकि इसमें कुछ फेर बदल किया गया। अब ये गाना आप सुन सकते हैं, बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त को तो आप सभी जानते हैं क्या होने वाला है। तो ये गाना 5 अगस्त से पहले रिलीज़ हो जाएगा। वैसे ये गाना रिलीज़ करने की डेट 3 अगस्त कन्फर्म बताई जा रही है, और जिन वजहों से पवन सिंह अपने बड़े गाने नहीं रिलीज़ कर रहे हैं उसकी एक वजह, बड़ी वजह यही है कि पवन सिंह का ये गाना, बहुत बड़ा गाना, बहुत ही मधुर आवाज़ में गाना आने वाला है। साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था कि फेक कॉपीराइट क्लेम बहुत आ रहे हैं आजकल, तो पवन सिंह ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उनके जितने भी गाने हैं वो इन सब चीज़ों के लाग लपेट में ना पड़े, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहना चाहते हैं, क्योंकि अब वो कोई भी कंट्रोवर्सी अपने विरुद्ध नहीं खड़ा करना चाहते। उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है, पवन सिंह जल्द ही चुनाव लड़े तो ये सारी चीज़ें तो होगी ही होगी कि छवि नीट एंड क्लीन तो चाहिए ही। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।